इट्स डे टू एंड इट्स 3rd January और रात के 12 बजकर गए हैं। जस्ट हमने सेलिब्रेट किया केक एंड ऑल के साथ, और अभी मैंने मेकअप वगैरह रिमूव करके थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लुक गुड टुमारो। तो या दैट्स इट, अभी सारे फोन कॉल्स को मुझे अटेंड करना है नाउ। चलो और जल्दी से बात करके मैं सो जाती हूँ बिकॉज टुमारो इज गोइंग टू बी अर्ली मॉर्निंग वाला मेकअप। तो या चलो बाय। गुड मॉर्निंग, 3rd January वाला डे, और इट्स डे टू इन जयपुर, और आज हम लोग का लास्ट डे है जयपुर में। सो जितनी भी चीज़ें हमारी कल रह गई है बिकॉज ऑफ डिले ऑफ टाइम, वो आज हम सब कवर करने वाले हैं, और जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी हम लोग आज की प्लेसेस देख के शाम को वापस होटल आते हैं, एंड देन आई एम लिटिल बिट गोइंग टू गेट रेडी एंड जस्ट अ बिट ऑफ सेलिब्रेशन। नीचे जाके डिनर कर लेंगे हम लोग, मैं रेडी होके, इट्स दैट सिंपल आई वॉज प्लानिंग। और या आई एम एक्साइटेड बिकॉज बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने वाले हैं, एंड ऑल्सो वन थिंग, वी आर गोइंग टू वन प्लेस जो जयपुर में है जहाँ पे हम लोग जाके कुछ फन कर सकते हैं। इट्स लाइक एन प्ले स्टेशन टाइप्स, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज मुझे ये चीज़ आज सुबह पता चली है दैट वी आर गोइंग समवेयर एल्स ऑल्सो एक्सेप्ट द फोर्ट्स, एंड यहाँ पे जो देखने लायक चीज़ है हम कहीं और भी जाने वाले हैं। सो दैट वॉज सरप्राइज फॉर मी। सो या जल्दी से रेडी होते हो, चलते हैं। सो ये कल रात का ही पहना वाला सेट है जो नाउ आई एम गोइंग टू चेंज ऑफ कोर्स, और अभी बहुत सटल सिंपल पहनने वाली हूँ मैं। सो रेडी होने के बाद मिलते हैं। सो आई एम रेडी, आई विल शो यू कि मैंने क्या पहना है। दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग फॉर माई बर्थडे। सो दिस इज़ अ बेसिकली ग्रे कलर का चिकनकारी कुर्ता, बेसिक ब्लू जीन्स के साथ मैंने वेयर किया है विद दिस शूज़, और फिर हेयर्स के लिए काफ़ी नॉर्मल रखने का ट्राई किया, इट्स मिडिल पार्टीशन और थोड़ा सा मैसी लुक दिखने के लिए थोड़े से ब्राउनिश आई किए हैं, आईलाइनर मस्कारा एंड लिटिल बिट अ रस्टी वाला लिपस्टिक, एंड दैट्स इट, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर जयपुर। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, वे टू अवर डिफरेंट स्पॉट्स के लिए निकल जाते हैं, तो चलो अभी। दिस इज ब्रेकफास्ट टाइम और हमको ऑलरेडी लेट हो चुका है, सो फास्ट हम लोग ये ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं एंड गोइंग टू एक्सप्लोर जयपुर जितना हमारा रह गया उतना, एंड मेरा जूस मिल गया, सो आई एम सो हैप्पी हियर। तो चलो अभी जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करते हैं। ओके सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाहरगढ़, और वहाँ पे हम शीश महल देख लेंगे, और आगे भी मैं आपको बताते रहूँगी कि एग्जैक्टली हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और मैं आपको लेके जाने वाली हूँ ऑफकोर्स। गोइंग टू नाहरगढ़, और यहाँ पे रास्ता इतना मस्त है ना, zigzag वाला मजे आ रहे हैं। आई कैन सी ओनली यहाँ के लोकल कैन ड्राइव वेरी फास्ट राइट हियर, हम लोग अगर ड्राइव करते पॉसिबल नहीं रहता। यू कैन सी दिस रास्ता, मजे आ रहे हैं घाटियों को पार करते हुए। काफ़ी कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे खाने के लिए, और पापड़ एंड डॉल जो यहाँ पे मैंने बहुत देखा है मिल रहा है, एंड या वी आर एंटरिंग द फोर्ट। यहाँ पे टिकट निकालनी पड़ेगी हमको, और लेट्स गो तो ठीक है ना, अंदर का नहीं दिखा पाएंगे, बट यहाँ पे आपको टिकट निकालनी पड़ेगी। देन वहाँ पे है शीश महल जहाँ पे जाके हम
फोटोज नहीं खिंचा सकते। और ये एक गार्ड सर है जो उनको बता रहे हैं कि आगे मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी जस्ट बिकॉज दे वर नॉट अलाउइंग मी, बट जो कुछ भी अलाउ होगा आई एम ट्राइंग टू शूट, आई विल ट्राई टू शूट। और बाकी सबकी टिकट शायद हमारे टूरिस्ट भैया करवा देंगे। एंड या वो भैया है हमारे गाइड इन टू दिस जयपुर वैक्स म्यूजियम, लेट्स गो। ओके, हमारे गाइड वाले भैया से हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया है एंड वी आर गोइंग फॉर सी दिस व्यू पॉइंट, क्योंकि वहाँ से शायद सारा मतलब जितना पॉसिबल हो सकता है वहाँ दिखता है क्योंकि हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, सो दैट्स व्हाई। और एज यू कैन सी काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, दे आर क्लिकिंग द फोटोज एंड एवरीथिंग, सो लेट्स गो एंड सी इट। और वहाँ मैं आपको ले लेके जा पाऊँगी और जो भी हमने अंदर फोटोज क्लिक कर दिए वो मैं आपके साथ फोटोज बना दूँगी आप मतलब आपको वीडियो यार तुमने आज ना। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर लिया है और यही से शीश महल के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे पपेट शो और यहाँ पे मैजिक शो है, तो हम लोग यहाँ पे पपेट शो देखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट पपेट शो, मजा आने वाला है। कब होगा शुरू? हो गया मजा आया श्रेया को ज्यादा मजा आया। यहाँ पे श्रेया बना रही है क्ले पॉट, यू कैन सी शी इज मेकिंग क्ले पॉट विद द हेल्प ऑफ द भैया। मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ, मैं भी क्ले पॉट बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। हार्ट हो जाए और हम लोग लेके जा सके। अगर ये बच्चे देखो 10-15 मिनट में ड्राई हो जाएंगे जैसे भैया बता रहे और इट्स लुकिंग सो क्यूट। फॉर दिस स्पॉट मैंने काफ़ी कुछ कवर करने का ट्राई किया है, होप कि आपको समझ जाए, धूप काफ़ी है, होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ गया होगा। और या आप यहाँ पे आके देख सकते हो, काफ़ी सही प्लेस है। सो आई वाज टेकिंग फोटो, तब तक मैं देखती हूँ कि बाकी लोग का है। चलो, नाहरगढ़ के पास ही जयगढ़ है और जयगढ़ में देखने लायक एक बहुत ही एंशियंट टाइम का तोफ रखा हुआ है और उसकी कुछ अलग ही स्पेशलिटी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। और ऊपर जाना पड़ेगा, चलो। ये इतनी बड़ी तोफ है कि ये एक ही बार इसका यूज़ हुआ है एंड उसका जो बॉल था वो यहाँ से 50 से 40 किलोमीटर दूर तक के फायर्ड हुआ था। सो नाइस इजंट इट। और यहाँ पे इतनी सारी स्पेस, यू कैन सी यहाँ से फोर्ट्स एंड ऑल। यहाँ से तोहफे चलती थी, यहाँ से हमें एग्जिट करना है एंड नाउ आई एम हियर ऑलमोस्ट एट द एग्जिट पॉइंट एंड आई एम गोइंग। चलो गोइंग टू
अनदर फोर्ट, आमिर फोर्ट। ओके और फिर हम लोग जाते हैं आमिर फोर्ट जो आपको पीछे दिख रहा है। नाउ लेट्स गो एंड सी दिस फोर्ट फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि ये इनसाइड से काफी ब्यूटीफुल और सुंदर है। जाते जाते मैं आपके साथ और भी बहुत सारी हिस्ट्री शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू दिस फोर्ट, दिस सिटी, विथ हेल्प ऑफ आवर गाइड। सो प्लीज स्टिक अराउंड। आमिर फोर्ट जाने के रास्ते पर ही ये ब्यूटीफुल वेल है, मतलब कुआ है, जो हमारे गाइड ने हमको स्पेशली रुक के दिखाना मतलब प्रेफर किया। यहाँ पे काफ़ी सारे बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे कि भूल भुलैया, धड़क और भी दो तीन। सो दिस वाज द पन्ना मिया कुंड, बहुत सुंदर है और वहाँ पे टेंपल वगैरह है। अभी हमको चलनी है जाने के लिए, कांट शो यू मोर बट या लेट्स चलो। द डे वॉज सो स्पेशल फॉर मी और मेरा बर्थडे भी था, तो दैट बिकम्स डबल स्पेशल। हम आगे देखने वाले हैं आमिर फोर्ट और आमिर फोर्ट की कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग हिस्ट्री। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ा है। सो दिस गोइंग टू बी कंटिन्यू विद पार्ट टू। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर सेल्फ एंड आई विल मीट यू सून। बाय।